हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर एसएससी ने फाइनली नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। इसमें हम देख सकते हैं कि एसएससी की वेबसाइट जो आप विजिट कर सकते हैं, ssc.gov.in, उस वेबसाइट पर जाना है। तो पुरानी वेबसाइट में अब नहीं जाना है, नई वेबसाइट ssc.gov.in पर आपको विजिट करना है। वहां पर आप देखेंगे इस नोटिस को आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इस नोटिस के अंदर हम मेन मेन बातें जो है वो डिस्कस कर लेते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास डेट ऑफ फॉर सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन ये 28 तारीख से लेके 18 अप्रैल तक रहने वाली है। 28 मार्च से स्टार्ट और 18 अप्रैल तक रहेगी। लास्ट डेट जो है उसकी 18 अप्रैल है, उसका ध्यान रखें। और फी पेमेंट का 19 अप्रैल है। कभी भी लास्ट डेट का वेट ना करें और पहले ही कर लें, ताकि लास्ट डेट में क्या होता है, वेबसाइट हैंग करने लग जाती है, प्रॉब्लम होने आने लग जाती है। तो प्लीज कभी भी लास्ट डेट का वेट ना करें, पहले ही कर लें। तो हमारे पास देखेंगे तो टेंटेटिव जो शेड्यूल है CBT 1 का, CBT 1 वो 4 से लेके 6 जून के बीच में हो सकता है। ये टेंटेटिव है क्योंकि आपको पता है इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं, तो 4 तारीख को रिजल्ट है, तो ऑब्वियसली मुश्किल होता है दोबारा इसका एग्जाम, कहाँ इस दौरान एग्जाम लेना मुश्किल होता है थोड़ा सा। तो आई होप कि ये चेंज होगा, तो जून से, जून के एंड या जुलाई के स्टार्टिंग में होगा। तो हम देखेंगे इसके बारे में। और पेपर 2 जो है, पेपर 2 के लिए अभी इन्होंने नोटिफाई नहीं किया है, तो बाद में आपको बताया जाएगा। ओके, चलते हैं आगे और बातें जो है मेन डिस्कस कर लेते हैं इसके अंदर। और ये आप देख सकते हैं कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, किस तरह की क्वालिफिकेशन है। जैसे BRO बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिविल, यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल। तो यहाँ पे देखेंगे डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। ओके, यहां पे डिग्री होनी चाहिए आपके सिविल इंजीनियरिंग की। और यहां पर आप देख सकते हैं 2 ईयर ऑफ वर्किंग एक्सपीरियंस इन प्लानिंग एग्जीक्यूशन मेंटेनेंस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। तो 2 साल का एक्सपीरियंस इसके अंदर होना चाहिए, तभी आप फिल कर सकते हैं। तो अगर आपके पास बीटेक है तो ये देखेंगे, ये देखो बीटेक है तो चल जाएगा। और क्या है, 3 ईयर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, आपका 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए। आप बात को समझे, या तो आपने बीटेक की हो, या तो आपने बीटेक की हो तो काम चल जाएगा, या डिप्लोमा के साथ, डिप्लोमा आपका है और साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, तब ये काम चल सकता है। यहाँ पे और लिखा हुआ है, इन दोनों के बीच में और लिखा हुआ है, ये देखेंगे आप, यहाँ पे और लिख रखा है। इसी तरह यहाँ पे और एज लिमिट जो है 30 ईयर की एज है। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में सेम हमारे पास देखेंगे, डिग्री इन इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल, चाहे आपकी इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल में हो। और या इसमें से क्या है, ए क्या है, 3 ईयर डिप्लोमा होना चाहिए, और बी साथ में होना चाहिए, साथ क्या, 2 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये एक्सपीरियंस वालों के लिए है, BRO की जो पोस्ट होगी वो एक्सपीरियंस वालों के लिए होगी। इसी तरह आगे चलते हैं, ब्रह्मपुत्र बॉर्डर मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति, तो सिविल वालों के लिए अगेन। यहाँ पे आप देखोगे आगे है सेंट्रल वाटर कमीशन, मैकेनिकल सिविल, इनके लिए आपके पास यहाँ पे कोई भी एक्सपीरियंस नहीं मांगा है, फ्रेशर आप अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद CPWD इलेक्ट्रिकल और सिविल वालों के लिए आप देख सकते हैं। तो बाकी किसी में भी आप देखोगे एक्सपीरियंस जो है इसमें आपको यहाँ पे देखने को मिल सकता है, किसमें आपको देखने को मिल सकता है, DGQA नेवल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इसमें आपको एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पे देखेंगे डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, और 3 ईयर डिप्लोमा, और साथ में 2 ईयर एक्सपीरियंस भी चाहिए। तो जिनके पास एक्सपीरियंस है उनको तो फायदा है इसका, जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है उनको थोड़ा मुश्किल हो सकता है इन सब फॉर्म को फिल करने के लिए। ओके, चलते हैं आगे और नेक्स्ट चलते हैं, यहां पर देखते हैं फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए अगेन कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है, और सिविल वालों के लिए भी कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ पे मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेस MES के लिए, यहाँ पे देखेंगे सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इसमें भी आपको 2 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। इसमें भी आप देखोगे इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल में, यहां पर भी आप देख सकते हैं, तो 2 ईयर का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। ओके, और यहां पे नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO सिविल वालों के लिए, यहां पे भी एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है।
ओके, यहाँ पे एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड नहीं है। एक बार पोस्ट की डिटेल देख लें, कौन कौन सी पोस्ट है, कितनी किसमें है। देखिए ऑब्वियसली यहाँ पे पहले ही आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिविल की काफी अच्छी पोस्ट है, इलेक्ट्रिकल की है, मैकेनिकल की आपको कम देखने को मिल सकती है। लेकिन हमेशा आपको एक बात बताता हूँ कि हमारी जो तैयारी होती है हमेशा सिर्फ एक एग्जाम के लिए नहीं करनी, हमने हमें अलग अलग एग्जाम के लिए तैयारी करनी है। जैसे कि मान लीजिए आपको और कोई एग्जाम आते हैं तो सिलेबस वही रहता है, आपका जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपिक्स हैं वही रहते हैं। अगर आप मैकेनिकल के लिए एक की तैयारी करते हो, एसएससी की तैयारी करते हो, तो आरआरबी जेई की भी साथ साथ तैयारी आप साथ कर सकते हैं, क्योंकि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वही रहने वाले हैं। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे देख सकते हैं तो काफी अच्छी पोस्ट है जो सिविल में आपको देखने को मिल सकती है, 438 पोस्ट है यहाँ पे। इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल को मिलाकर, दोनों मिलाकर यहाँ पे 37 पोस्ट है, 37 पोस्ट है, और यहाँ पे सिविल फिर मैकेनिकल, मैकेनिकल में 12 पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कि सेंट्रल वाटर कमीशन में है। ओके, सिविल में अगेन यहाँ पे 120 पोस्ट है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल वालों के लिए जो अकेले इलेक्ट्रिकल वाले हैं 121 पोस्ट है। ओके, और नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर और देखते हैं मैकेनिकल वालों के लिए, अगेन ये इलेक्ट्रिकल के लिए, सिविल के लिए, फिर मैकेनिकल के लिए 3 पोस्ट है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रिकल, सिविल, सिविल, और यहाँ पर आप देखोगे MES मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज ने अभी जो है वैकेंसी नहीं बताई है, तो यहां पे उम्मीद रहती है कि थोड़ी पोस्ट अच्छी देखने को मिल सकती है। ओके, नेशनल टेक्नोलॉजी रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन RTRO की तरफ से यहां पे सिविल के लिए वैकेंसी है। ओके, और एक और बात, आप में जिन्हों जिन्होंने OTR वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं किया है वो प्लीज कर लीजिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, आप अगर आपने पुरानी वेबसाइट में किया था लेकिन नई वेबसाइट में नहीं किया है तो आपको OTR करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन है वो आपको करना पड़ेगा नई वेबसाइट में, तो नई वेबसाइट में जरूर आपको करना है, ऐसा नहीं रखना है कि आपको उसमें नहीं करना, आपको जरूरी है करना। यहाँ पे एक स्पेशल लाइन भी है जिसके अंदर आपको ये सब देखने को मिल सकता है, काफी बड़ा नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करने के लिए आप सीधा जाइए ssc.gov.in पे, सामने आपको ये नोटिफिकेशन जाएगा पहले ही पेज पर। ओके, एज रिलैक्सेशन की बात कर लें तो SC ST OBC सबके लिए जो गवर्नमेंट के नॉर्म्स होते हैं उसी के अकॉर्डिंग आपको एज रिलैक्सेशन दी गई है। ओके, चलिए आगे, और आपको जैसे कि एग्जाम 1-2 जैसा पैटर्न पहले था, जैसे आपको ऑब्जेक्टिव टाइप आपने को देखने को मिल रहा था 1 और 2 का, वैसे ही इसके अंदर भी डिटेल दे रखी है, 1 और 2 की भी वही डिटेल है। ओके, और सिलेबस भी ऑलमोस्ट सेम वही का वही है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आते हैं हाउ टू अप्लाई एंड एप्लीकेशन फीस, तो OTR ये देखिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन ये पूरा पूरा लिखा हुआ है, ऑल द कैंडिडेट हु विश टू अप्लाई इन रिस्पॉन्स टू दिस नोटिस एंड have not generated their OTR on the new website will be required to do so as the earlier OTR generated on the old website will not be functional. तो आप ध्यान रखें, आपको OTR करना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ओके, नई वेबसाइट पे। तो इसके अलावा हम चलते हैं आगे, जो डिटेल इसके अलावा फीस जो है वो 100 रुपीज आपकी फीस है। अगर आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आती है, कहीं आपने चेंज करना है, चेंज करने के लिए अलग से एक टाइम दिया जाएगा, उस पर टाइम पीरियड के दौरान आपको करेक्शन जो है करेक्शन कर सकते हो, 22 तारीख से लेके 23 तारीख के बीच में आप करेक्शन कर सकते हो। उसके लिए आपको फीस देनी पड़ेगी, 200-300 रुपए जो फीस है वो आपको पे करनी पड़ेगी, उसके बाद आप करेक्शन फॉर्म फिल कर सकते हैं। जो भी करेक्शन आपसे, पहली बात तो गलती ना करें तो ज्यादा अच्छा है। ओके, ज्यादा अच्छा है कि गलती ना हो, आराम से आप पहले आराम से फिल करें। ओके, यहां पे आ जाते हैं तो पेपर 1 की बात कर लें, तो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन जो है, तो इसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के लिए 50 मार्क्स के हैं, और जनरल अवेयरनेस के 50। ओके, और पार्ट ए जो हमारा जनरल इंजीनियरिंग, सिविल हो, मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो या मैकेनिकल हो, तो आपका जो भी है जिसमें आप अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए 100 मार्क्स आपको यहाँ पे, तो टोटल 200 मार्क्स का है। हर बार इसी तरह से होता है, तो हमारा 200 मार्क्स का होगा, और 2 आवर का एग्जाम होने वाला है, 2 and 40 मिनट फॉर द कैंडिडेट हु एलिजिबल। ओके सॉरी, यहाँ पे 2 आवर ये है, तो 2 घंटे आपके लिए है। ओके, CBT 2 के लिए आपके लिए पेपर 2
टू के लिए आप देखोगे तो इसके अंदर हमारे पास फिर अगेन हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहने वाला है और 100 क्वेश्चन होंगे जो 300 मार्क्स के होंगे। तो हमें जो लास्ट टाइम बहुत ज्यादा कई टीचर्स ने शोर मचाया था कि 3 मार्क्स का तो बहुत मुश्किल एग्जाम आएगा, तो ऐसा नहीं हुआ। एग्जाम काफी ईजी था, पेपर 1 के मुकाबले भी कुछ क्वेश्चन ईजी आए थे। तो इतना बड़ी बहुत ज्यादा आपको डेप्थ में पढ़ना, बहुत ज्यादा उसके न्यूमेरिकल्स में घुसने की जरूरत नहीं। अगर आपके अच्छे कॉन्सेप्ट्स हैं तो आप इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। ओके, तो 2 आर का 2 आर का एग्जाम आपका रहने वाला है। तो आपको पेपर 1 क्लियर करने के बाद पेपर 2 के लिए बुलाया जाएगा, उसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जा सकता है। उसके बाद पेपर 1 क्या है, आपको पता है कि पेपर 1 में जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग का है। तो इसमें आपका सिलेबस जो है रीजनिंग का जो सिलेबस रहता है, जो आपको जैसे मेमोरी बेस होता है या विजुअल मेमोरी, यहां पे डिसीजन मेकिंग है, जजमेंट है, एनालिसिस है, ये सारे आपको आएंगे। यहाँ पे मेनली जो रहता है काफी बड़ा पार्ट जो है वो जनरल अवेयरनेस का रहता है। तो जनरल अवेयरनेस काफी लेंदी है, इसके अंदर काफी ज्योग्राफी, आपको काफी चीजें पढ़नी पड़ती है, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, तो ये सब कुछ पढ़ना पड़ता है। तो आपकी ये प्रिपरेशन जो है काफी टाइम मांगती है जनरल अवेयरनेस की, लेकिन इसमें मार्क्स अगर आपके आते हैं तो काफी आपको बेनिफिट रहने वाला होता है। ओके, तो यहाँ पे सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल की आप सिलेबस देख सकते हैं। मैकेनिकल का आपको थ्योरी ऑफ मशीन का लिख रखा है, टॉम का लिख रखा है यहाँ पे, मशीन डिजाइन, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। उसके बाद मेनली जो रहने वाला है वो थर्मोडायनेमिक्स का रहने वाला होता है और फ्लूइड मैकेनिक्स का रहता है। फ्लूइड मैकेनिक्स और थर्मोडायनेमिक्स ये बहुत ही मेन सब्जेक्ट रहने वाले होते हैं। थर्मोडायनेमिक्स, आईसी इंजन, पावर प्लांट, आरएसी, उसके बाद फ्लूइड मैकेनिक्स और फ्लूइड मशीनरी, ये आपके 6 सब्जेक्ट जो होते हैं एसएससी के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल रहते हैं। ओके, तो पेपर 2 का भी आप देख सकते हैं सिविल के लिए क्या क्या रहेगा और सर्वेइंग, ये सब सिविल के लिए है। ओके, आगे चलते हैं, मैकेनिकल में हम देख लेते हैं, मैकेनिकल का भी यहाँ पे गिवन है। ओके, चलिए इलेक्ट्रिकल का आ गया और उसके बाद हमारा यहाँ पे देखते हैं मैकेनिकल का। तो इसमें थोड़ी डिटेल दे रखी है, जैसे थ्योरी ऑफ मशीन एंड मशीन डिजाइन की डिटेल दे रखी है, क्या क्या आपको पूछा जा सकता है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मल इंजीनियरिंग, थर्मल इंजीनियरिंग में भी पूरी डिटेल दे रखी है, एयर स्टैंडर्ड साइकिल्स है, ये सारा आईसी इंजन में, रैंकाइन साइकिल ऑफ स्टीम हमारे पास थर्मोडायनेमिक्स में सब कुछ आपको देखने को मिलता है, फ्लूइड मैकेनिक्स एंड मशीनरी, ये सब कुछ आपको पढ़ना है। ओके, हाइड्रोलिक टर्बाइंस है, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स है, ये सारी डिटेल। इसके अलावा आप क्लासिफिकेशन ऑफ स्टील, उसके वर्कशॉप टेक्नोलॉजी जो हम पढ़ते हैं, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी जो पढ़ते हैं, ये सब कुछ आपको पूछा जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 की डिटेल कुछ इस तरह से है। ओके, और अगर आप इस तरह के किसी भी एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, आप मेरे साथ तैयारी करना चाहते हैं, तो आप ऐप डाउनलोड कर लीजिए, उसके अंदर कोर्स है ऑल इन वन AJEE कोर्स। इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हैं ऐप के अंदर, और इस कोर्स के अंदर लाइव क्लासेस भी रहती है, पीडीएफ नोट्स रहते हैं, जो आपको बहुत ही हेल्प करेंगे इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए। इसके अलावा कोई भी एग्जाम जो जूनियर लेवल का है एग्जाम, उसको आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपको सही लगी हो। इस तरह की और वीडियोज अगर आपको चाहिए तो आप सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और मेरे चैनल को ज्वाइन करें, टेलीग्राम चैनल हो गया, व्हाट्सएप चैनल हो गया, काफी मेरे साथ आप जुड़ सकते हैं, और ऐप के थ्रू तो आप मेरे साथ 100% जुड़ सकते हैं। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे।